गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। वेट करते थोड़ी देर। दिखते रह गए 16 दिन ही आए क्या अभी तक? आधे लोग यहाँ हैं आज तो। दो तीन मिनट और। कॉमर्स ने कर लिया क्या? चेक करके बोल रहा, चेक करके। वो कॉमर्स बताया था मैं, उसको सबने सेट कर लिया। किस किस को हार्ड लगा? हाँ सोनू परमार आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। आपका लैपटॉप बंद है, मैं आपको क्वेश्चन नहीं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लिटिल बिट कंफ्यूज रहता है, हो जाएगा सब। रॉकेट साइंस तो है ही नहीं ना, तो आज तक मान के आ रहे थे आप। फिक्स एक दिन बाद में स्टार्ट कर दे। अब जो आ गए सो आ गए, जो नहीं आए वो आते रहेंगे। सबको टाइम का पता है, लेकिन सबको टाइम का पता है। अब आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। सर चलो मेरा देव हॉस्टल का नहीं तो 25 कर देना होगा। हाँ शुक्र जैन जी का सारा काम रुका हुआ है।
हाँ, प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस और जितने भी बिजनेस है ना, सब एक ही डोमेन से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक के लिए अलग अलग डोमेन लेने की जरूरत नहीं है अपन को, हर एक के लिए अलग अलग कोस्टिंग की जरूरत नहीं है। आप आज 50 बिजनेस करोगे ना, तो 50 बिजनेस के लिए एक काम आएगा। वो बेवकूफी वाली बातें हैं कि हर चीज के लिए अलग अलग करना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। 20 लोग ही हो यार, अभी सब कहाँ वहाँ गए। आज ये भी हो सकता है कि बहुत जगह, जैसे कल हमारे यहाँ पे फ्लाइट अभी 6 बजे आई है, तो कभी आ रही कभी नहीं आ रही। चलो अभी, हाँ एक तो राज यूट्यूब जसवाल नाम है ना आपको, वैसे यस या ना बोलता, जसवाल नाम है ना, राजकुमार जसवाल नाम है ना आपका। यस हाँ, तो आप आज, सर। ठीक है ठीक है ठीक है, अटक गया भैया तू तो। हाँ आपका नेट धीरे चल रहा है। रियल एस्टेट का बताएंगे यार सबको, धीरे धीरे सब कुछ बताएंगे। एक भी फोकस करो उसको, बाद में आगे करेंगे। मैं आज, मैंने अभी तक आप सब चैट करके बताना, अभी तक मैंने आपको कितने बिजनेस बताए जिससे आपको अर्निंग करनी है, वो सब लिख के बताऊं उसको, कौन कौन से वो बिजनेस है। छह पांच चार मतलब, एक ही बताया ऑनलाइन कोर्स ही बताया, और नहीं बताया। आपको दो और बताऊंगा, क्लाइंट वाला तो बताया कहां तक मैंने आपको। वेबसाइट का तो अपना आप ही हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी कोर्स वाले वाले पे ध्यान केंद्रित करते हैं और उसी का अपन करते हैं, ठीक है। अब देखो एक अच्छी बात भी बताऊंगा आज आपको मैं, कि सबसे पहले मैं तो स्क्रीन ले लेता हूँ। मैं, ये लो स्क्रीन ले लिया। अभी ये देखो, अपन ने वूकॉमर्स लगा लिया, ठीक है। अब वूकॉमर्स करने के बाद में अपन को ध्यान रखना, अपन को अपन चल लेते हैं, चलो वूकॉमर्स में, वूकॉमर्स में अपन चल लिए। देखो मैं एक बात बोल रहा हूँ, सब जो लेट आए ना, वो थोड़ा ये समझो आप कि यदि 5 मिनट भी की भी कोई बात आपसे निकल गई ना, तो आपको बहुत सारी चीजें निकल जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन कौन सी बातें निकल गई। रियलिटी है ये, बस में बहुत इंपॉर्टेंट। हर एक, जब अपन प्रैक्टिकली कोई चीज करते हैं ना, तो हर एक मिनट है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अरे पंकज जी सब बता रहा हूँ, धीरे धीरे देखो। जैसे सेट पेमेंट अपन ने किया, ठीक है। अभी अपन ने क्या कर रखा, कैश ऑन डिलीवरी कर रखा, क्या कर रखा है, कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है। आज मैं एक चीज बताऊंगा आपको, अपन इसके अंदर जैसे मेरा पेकून का लगा हुआ है, बट पेकून का आपको इतनी इजी वे में आपको मिलेगा नहीं अप्रूवल। तो सबसे बढ़िया कौन सा, इंस्टा मोजो। मैं भी कम यूज करता हूँ, इंस्टा मोजो नंबर वन चीज है। तो कारण है उसका कि बहुत ज्यादा चीज चल रही है। आज मैं आपको एक चीज बताऊंगा, आपको आज मैं आपको एक चीज बताऊंगा, हो
हो सकता है उससे आप उसमें कोई पैसा तो लगना नहीं, कोई भी आप इंटीग्रेट करेंगे उसमें आप ₹500 जरूर कमा सकते हो, तो आपको होस्टिंग का खर्चा है ना वो जरूर निकाल सकते हो। और सही बताओ आपको बात, मेरे पे मुझे भी ₹500 आएंगे। अब मैं आपको बताऊँ कैसे, एक इंस्टा मोजो का एक अकाउंट है, ये लिंक में एक आपको भेज रहा हूं सभी को। जो मेरे 3 बेस बन गए अभी तक, अब देखना समझना इस चीज को। इस कोर्स पे जैसे आप जैसे सॉरी इस लिंक पे जैसे क्लिक करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा समझना। बेफर पेमेंट गेटवे तो लगाना है, पैसा कुछ लगना है नहीं अपना, तो यहाँ पर क्या होगा, योर फ्रेंड इनवाइट यू टू ज्वाइन एंड गेट ₹500। तो मतलब क्या हुआ, जब भी आप यहाँ से साइन अप करेंगे समझना आप अच्छे से, और हैव ए रेफर कोड, ये मेरा आ जाएगा रेफर कोड, ठीक है। आप इससे आप करेंगे तो इसमें होगा क्या कि जब भी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब दे देंगे आप, इसके अंदर सब अप्रूवल हो जाएगा 1 या 2 दिन के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद में पहला ट्रांजेक्शन जो भी करोगे ना, मतलब मैंने आपको बोल दिया जिससे सब कुछ अप्रूवल हो गया 1 या 2 दिन में, उसमें क्या हुआ, जैसे आपने कोई ₹10 के भी अप्रूव किया ना, तो ये जो इंस्टा मोजो ना आपको ₹500 देगी। आई बात समझ। उसके बाद में अपना इसको अपन यहाँ पर सेटिंग करेंगे, ठीक है। तो ये बात समझ में आई है आप लोगों को, यस या नो, यस या नो? सर एक बार और बताइए तो सर, बताओ। मैं आपको बता रहा हूं कि अपन को यहाँ पे अपन को पेमेंट गेटवे लगाना है, ठीक है। अपने वू कॉमर्स में जैसे वो एड व्यू करेगा, अपने को पेमेंट गेटवे लगाना है, तो कोई ना कोई तो पेमेंट लगाना है ही। अभी आपका क्या लगा हुआ है कि एक इस 1 महीने का आपका वो लगा हुआ है क्या, ये बैंक में कोई नहीं देगा, सीधा बैंक में कोई नहीं देगा, वो बैंक से देखिए वो देगा क्या। पेमेंट गेटवे, गेटवे तो लगाना है, फिर बिना गेटवे के आप वेबसाइट कैसे चला सकते हो आप, समझे बात आप मेरी। अभी इसमें क्या है कि पेमेंट गेटवे कोई ना कोई लगाना है, ठीक है। तो मैंने 4-5 दिन पहले देखा कि ये इंस्टा मोजो का सब यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे यूज करने के लिए मैंने आपको एक लिंक दिया है, उस लिंक में क्या है कि जैसे आप करेंगे आप डॉक्यूमेंट्स में डालेंगे, पैन कार्ड जो सब चीजें वो डाल रहे हैं सब, क्योंकि ये आपका पेमेंट वाला है यार। पंकज कुमार जी आप इतना क्वेश्चन पूछते हो बीच बीच में कि मेरे तो समझ के परे है, सबको डिस्टर्ब कर रहे हो सर। एक दिन एक हर 1 मिनट में आपका एक क्वेश्चन आता है, बात ही पूरी नहीं होने देते आप यार। मतलब आप थोड़ा सोचो यार कि मैं बिल्कुल यार, आप थोड़ा तो सोचो कि आप एक जना कितने जनों को डिस्टर्ब कर रहे हो, 1 डे विड्रॉल कितना है, या चीजें पूछने की होती है यार। थोड़ा बहुत कुछ भी करो यार इस चीज को, समझो कोई चीज यार। हर हर एक बात पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन अपन लास्ट में लेंगे, आपको मैंने कल भी समझाया था आज भी समझा रहा हूँ, क्वेश्चन अपन लास्ट में लेंगे यार। जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ थोड़ा सोचो तो सर यार, ठीक है। तो अभी अब आपको क्या करना है कि अब अच्छा इसमें क्या होगा मैं बताता हूँ कि जैसे इस लिंक से आप इसको ज्वाइन करोगे तो आप अपना पूरा डॉक्यूमेंट देने होंगे उनको, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये बैंक का जो नेम है जहाँ पर आपका पैसा आएगा वो सब इनको आपको देना होगा, ठीक है। उसके बाद ही आपको पेमेंट गेटवे चालू होगा, ये जरूरी होता है आपका, कारण है क्योंकि पेमेंट गेटवे से कभी हर किसी को दे नहीं सकते, तो वो पूरा प्रूफ लेते हैं,
चाहे पेक्यू मनी हो, चाहे रेजर पे हो, चाहे कुछ भी हो। इंस्टा मोजो को मैंने इसलिए चला चुना क्योंकि एक तो उसमें क्या हुआ कि इस महीने की जो आपकी होस्टिंग लगी हुई है वो वापस आ जाएगी, वो कवर हो जाएगी। मैं मेरे दिमाग से लगा रहा हूँ, ठीक है। तो वो आप पूरा करने के बाद आप 10 रुपए के ट्रांजेक्शन करेंगे ना, तो एक तो वो काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो फिर बाद में अपन इसको अपन जोड़ेंगे। इस चीज को आप आज ही कर लेना, ठीक है। इस पे जाना है यहाँ पर एड रेफर करना। अच्छा, इसमें मुझे 500 रुपये मिलेंगे, सोचो मुझे 500 रुपये बढ़िया है ना, क्या दिक्कत है। पर जब पैसा लग ही नहीं रहा और अगले से 500 रुपये आपको भी आ रहे, मुझको भी आ रहे, मेरे क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो डिजिटल मार्केटिंग हर जगह से पैसे देती है, हर जगह से पैसे देती है आपको। तो आपने क्या टेंशन किस बात की, डिजिटल का नाम ही यही है यार, डिजिटल मार्केट चीज ऐसी, ठीक है। तो आप इस चीज को थोड़ा सा समझो और फिर बाद में डबल फायदा। तो मैंने ये चीज सोची यार कि अपने ना 599 रुपये लगे हुए अपने होस्टिंग के, तो इस चीज को मैंने देखा तो यार बच्चों के साथ ऐसा कुछ हो जाए कि इनका इस महीने का सारा फ्री टाइप से हो जाए, 50-100 रुपये लग रहे हो तो अपने नेट के लग रहे हैं। तो ये चीज मैंने चुनी और इंस्टा मुझे बेस्ट है। तो इसमें सही तरीके से आपको देना होगा आपको अपनी सारी चीजें, ठीक है। सही जब तरीके से आप सब चीज दे दोगे ना, जब आपको ये सब चीजें आपके सामने आ जाएगी, फिर अपन इसको अपन क्या करेंगे, इसको अपन इसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो मैं इसका जो इसको अटैच करने का काम है ना, मैं आपको जब आपको जब हो जाएगा ना, जब मैं आपको इसको बताऊंगा आपको, ठीक है। रही बात आपको बताऊं पंकज जी, इसका जो भी पेमेंट आता है 2 से 3 दिन की वर्किंग डे में आता है, ठीक है। किसी का भी पेमेंट गेटवे का हो, जिस दिन आता है उसका 2 से 3 दिन के अंदर पेमेंट आ जाता है, 1 रुपए का भी। नहीं तो इनका कुछ 1-2% इनका वो होता है सर्विस चार्ज होती है, उसमें कोई दिक्कत होने बात नहीं, ठीक है। ये चीज समझ में आई, यस या नो, यस या नो बताओ फटाफट मुझे चैट करके। पंकज जी यार बुरा मत मानना, आप समझदार हो, समझो इस चीज को, क्योंकि मेरी रिदम टूट जाती है, मुझे समझ, मैं जब कोई चीज समझाता हूँ अंदर घुस जाता हूँ उसके, और फिर एकदम से डिस्टर्ब होता ना, तो थोड़ा सा मुझे के वो चीज भूल जाता हूँ, आपके नुकसान आ सकते हैं। सॉरी भाई, है ना। चलो तो ये मैंने लिंक ग्रुप में दे दिया, आपको भी दे दिया। अब आप एक चीज सोचो यार, डिजिटली क्या चीज है यार, आप ये सोचो, मैं आपको फ्री पढ़ा रहा हूँ, 30 लोग हुआ, 500 × 30 कितने हो गए, 15,000 यार, कमा लिए। ये दमन डिजिटल यार, मतलब मैं आपको साफ चीजें बता रहा हूँ, सब चीजें साफ चीजें हैं। ये मैंने अभी तक 1 रुपये नहीं कमाया, 15,000 रुपये कमा लूंगा। यदि मैं और कोई चीजों को देता तो शायद नहीं कमा पाता, लेकिन इसमें अब इसमें आपको भी पैसा मिल रहा है और मुझे भी पैसा मिल रहा है, तो दोनों में फायदा हुआ ना उस चीज के अंदर। सही बात है कि नहीं, यस या नो। तो यार बिना कोर्स के पैसे लेके भी आदमी कमा सकता है जब दोनों तरफ से हो, ठीक है ना। तो ये सब चीज आपको ये करना कि इंस्टा मोचो का अपन कल अपन जोड़ेंगे, क्योंकि लास्ट ये देखो 11 तारीख तो हो गई, 15 तारीख 16 तारीख सारा काम हो जाएगा आपका, ऐसा मान के चलो ऑनलाइन कोर्स के प्लेटफॉर्म आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर अपना फेसबुक एडवर्टाइजमेंट का आएगा। अब अपन बात करते हैं, आज मैंने ग्रुप में एक आपको लिंक सेंड किया है, सब बताओ उस लिंक को आपने डाउनलोड किया है कि नहीं, ये सेनो। एक राजकुमार राज यूट्यूब डिजिटल है ना, उनको नहीं करना, मैंने आज उनकी आईडी पे वो इंस्टॉल कर दिया पहले से, उनको नहीं करना। राज यूट्यूब जसवाल जी है, उनको कुछ भी नहीं करना उस को, लेकिन आप सीख लेना, पर बट उनकी वर्डप्रेस पे मैंने इंस्टॉल कर दिया है, ठीक है, उनको कुछ भी नहीं करना, बट सीख लो कैसे किया है। देखो अब वो क्या चीज है जो मैंने भेजा है,
शिवम जैन आपने तो थोड़ा कोई दिक्कत, वो है एफिलेट मार्केटिंग का प्रो का प्लगइन, ठीक है। उसकी रेट बताऊं क्या है, दिखाता हूं मैं आपको, ये भी मिल जाता है। देखता हूं देखो कितना है, कितना दिख रहा है आपको, $49। अभी तक जितना आपने सीखा ना, अभी तक आपका प्लगइन में इन सब चीजों में ना कम से कम ज्यादा भी नहीं ना तो 8-10 हजार रुपए लग चुके होते अभी तक। आई बात समझ में, मैं कैसे जुगाड़ कर करके सब फ्री में लेके आता हूँ आपके लिए, तो थोड़ी इसकी इज्जत रखना, ठीक है। प्लस टैक्स तो अपन छोड़ो कितना होता है, लेकिन मैं तो अपने तो 1 रुपये नहीं लगेगा भैया, अपन तो इसको अपन फ्री में ही अपन लेंगे। मैंने फ्री में पहले से मैंने खरीद लिया आपके लिए, ठीक है। अब एक उसी चीज को आप सबके सब ले लो, क्योंकि मेरे पास से 5000 रुपये जाता है ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास से 5 रुपये भी जाता है बिना बात का वो फर्क पड़ेगा, अभी आज नहीं। ये क्योंकि मैंने भी यूज किया है, मेरे उसी चीज को मैं सबको दे रहा हूँ, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अरे थैंक यू तो बोल दो। चलो चलो ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब इसको इंस्टॉल कैसे करना है मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, किसी किसी का प्रॉब्लम ये आ रहा है कि वो उसको हो ही नहीं रहा, तो उसको अपन क्या क्या करेंगे, एक्सटेंड कर दें। आवाज सही नहीं आ रही है, आवाज तो सही आ रही है लेकिन थोड़ा सा। अभी भी आवाज सही नहीं आ रही, हेलो कट कट के आ रही है सर। वो अभी बहुत दिक्कत हो रही है ना इधर मौसम मौसम का, अब तो सही आ रही है बिल्कुल, देखो। हाँ आप सही आ रही है सर अभी। चलो ठीक है, चलो अभी अपन क्या करेंगे, आप जहां पे किसी को वो जैसे डाउनलोड करते कुछ नहीं आती ना, वहां पर विनजार नाम से एक होती है, वो आप डाउनलोड कर लेना, उसके बाद वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये मैंने राज यूट्यूब जो राज 10 वाला उनका तो मैंने कर चुका हूं मैं, अभी ये विक्रांत जी है उनका मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैं सोचना है यार, मैं तो किसी का उठा के ले लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि आपके आप लोगों ने अपना यूजरनेम पासवर्ड ही नहीं चेंज किया तो मैंने वो ले रहा हूँ, और राजू जसवाल जी ने कल परसों दिया था, ठीक है। तो मैं कहाँ जाऊंगा, देखो किसी भी चीज के लिए जाऊंगा ना तो प्लगइन में जाऊंगा मैं, देखना ठीक है। तो प्लगइन में जाऊंगा तो एड न्यू में जाऊंगा, ठीक है। और यहां पर वो चीज यहां पर नहीं मिलेगी, क्यों, क्योंकि भैया वो खरीदनी पड़ती है अपन को, ठीक है। ये मैंने खरीद ली पहले से आप सबके लिए, तो इसमें क्या अपलोड प्लगइन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे आप फाइल करोगे इसको, जो मैंने आपको दी है वो जिप फाइल के अंदर ही आपको क्या करना है, जैसे इंडेड एफिलेट प्रो डॉट जिप ये फाइल आपके सामने आएगी, इसी को ऐसे क्या करना है, उठा इसको करना है क्लिक और ओपन कर देना है।
और यहाँ पे क्या करना है, इंस्टॉल कर देना है बस। भाई लोगों टाइम पर आ जाया करो, बहुत चीजें छूट जाती है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या चीज छूट गई। एक एक पॉइंट मेरा इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा हो रहा है, इसको चलने तो थोड़ा इसको लंबा चलेगा थोड़ा सा। कल किस किस के तूफान आया शहर में, हमारे भी आया, हमारे बहुत भयंकर आया कल तो, गजब भी आया कल तो। ये थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि बहुत बड़ी चीज है, मैं आपको बता देता हूँ ये क्या चीज है। थोड़ा सा ये है अपना एफिलेट, अपन करेंगे ना जो भी एफिलेट करेंगे उसका प्लगइन है। कोई बंदा आएगा उसको ज्वाइन करेगा, उसके लिंक बनेगा, सब चीजों के लिए ये यूज होगा, ठीक है ना। तो ये बहुत ही बढ़िया है, ये थोड़ा सा टाइम लगाता है क्योंकि इसमें बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा प्लगइन है, बहुत बड़ा प्लगइन है ना, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसमें बस ये थोड़ी सी दिक्कत आती है इसमें, ठीक है। लाइट आ गई रात ये अपलोड अभी इधर देखो सबके सब एकदम। अब यहां पर क्या करेंगे, जैसे ये अपलोड होता है इसको एक्टिव प्लगइन कर देंगे। ये जो अपन जो एक्टिव कर रहे हैं ना, ये आपके बैंक में इतना पैसा डालेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। अभी क्या है वो देख लो आप, वो यहां पे आप नीचे जाओगे तो यहां अल्टीमेट एफिलिएट प्रो, आई बात समझ में। ये है एफिलिएट, ये देखो इतना बड़ा, यहां से अपने एफिलिएट जुड़ेंगे, लोग इससे जुड़ेंगे, पेमेंट लेंगे, पेमेंट अपन देंगे, कितना परसेंटेज देना है, क्या नहीं देना, कौन सी चीजें अपन को करनी है, कौन से क्या अपन के डिजाइन होगी, वो सब चीजें क्या होगी यहाँ से अपने होगी। आई बात समझ में सबको, यस या नो? अब इसको मैं धीरे धीरे समझाऊंगा, मैं बहुत जल्दीबाजी में नहीं समझाऊंगा आपको इसको। तो आज सिर्फ आपको मैं दो चीज बताई है आपको, एक तो इंस्टा मोजो की, एक ये चीज की, इस दो चीज के अलावा तीसरी चीज नहीं बता रहा मैं। अभी आपको एक चीज दिखाता हूं मैं, ज्यादा कुछ नहीं। जैसे ही इंस्टॉल हो गया ना तो अपने पेजेस पे अभी कुछ भी मत करो एक बार, ठीक है, अभी कुछ मत करो इसको। मैं ये पूरा एक एक दिन की क्लास होगी, जब अपन अपन सेट करेंगे ना तो एक दिन की क्लास होगी। तो अभी मैं एक देखो एक चीज बताता हूं मैं आपको कि जैसे पेज पे जाएंगे ना, ऑल पेज देखना आप, जैसे ऑल पेज पे ये देखो एफिलिएट वाले ऑटोमेटिक ही 2, 3, 4, 5 आपके पास ऑटोमेटिक ही बन के आपके पास आ गए ना आपके पास ऑटोमेटिक। अब कोई एफिलिएट रजिस्टर पेज कोई करवाना चाहता है तो आप जब आपके यहाँ पर है ना तो यहाँ पर आपका नहीं ओपन होगा, आपका होगा यहाँ पर, मैं उसको ओपन करता हूँ। देखो pcindia.net affiliate.register.page, ठीक है, यहाँ पे वो ये देखो वो अपना रजिस्टर्ड करने आ गया, ये डिजाइन इसके पास
आगे, ठीक है। मान लो मैंने एक डिजाइन की, मान लो मैंने किया आकाश, मैं कौन हूं, एक एफिलेटर हूं, समझो इस बात को, मैं एक हूं एफिलेटर आकाश, ठीक है, गुंजन आकाश, पासवर्ड मैंने डाल दिया, ये वो लोग हैं जो अपने प्रोडक्ट को क्या करेंगे, एफिलिएट करेंगे, कोई अपलोड करेंगे, इंडिया कर दिया, रजिस्टर्ड कर दिया मैंने, दिख रहा है सब चीजों को, यस या नो तो बोलो, ठीक है, ये रजिस्टर हो गया, ठीक है, ये रजिस्टर हो गया ना, देखना अब, देखना आप अच्छे से, मैं यहां जाऊंगा, ये एफिलिएट ग्रुप पे जाऊंगा, पेज तो बन गया ना ऑटोमेटिक, आपको नहीं बनाना पड़ा पेज, ठीक है, यहां देखो A1 एफिलिएट हो गया, एफिलिएट कौन सा हो गया, वन हो गया, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आकाश माथुर का हो गया, इसको पेड अमाउंट कितना देना, क्या देना, ये सब चीजें मैं आपको कल बताऊंगा, आराम से बताऊंगा, ये नहीं तो आप एकदम गच्चा खा जाओगे इस चीज में, ये आपको, ये जो चीज मैंने आज बताई है, ये आपको भर भर के पैसा देगा, भर भर के पैसा देगा आपको, क्यों, यहाँ पे आपके वो लोग काम करेंगे जिससे मैं कमाता हूं, जिससे आप कमाओगे, यहाँ पर एक है ना, यहाँ पे वो ही बता रहा था 1000 वाला फंडा, यहाँ पे 1000 फंडा वाला कर देना, साला एक तो बेचेगा ना, तो यहां पर जो वो चीज कर रहा है, ये वो चीज है कि जहां पर अपने एफिलिएट आएंगे, जहां पर एफिलिएट आएंगे, और यहां पर जिसने भी उसको किया है, देखो मैं इसको, मैं देख, देखो मैं दिखाता हूं, अब इसको देखो, जो एफिलिएट है उसका भी दिखाता हूं मैं, ये एफिलिएट वाला आ गया, याद ही नहीं वो क्या डाला था मैंने, ये देखो जिसका भी एफिलिएट है, समझो इसको, जिसका भी एफिलिएट है उसका आ जाएगा, उसका सब कुछ आ जाएगा। अब मान लो मैंने क्या किया कि पेमेंट सेटिंग कर ली, समझना, मैं ये एक तरीके से समझो एफिलिएटर है जो आपके लिए सेल करेगा, उसका पूरा आ गया, उसका पूरा आ गया, मैं अभी एक एक चीज समझाऊंगा आपको, बैंक मैंने कर दिया पेटीएम, ठीक है, और यहाँ पे कर दिया 6%, ठीक है, ये मेरा पेटीएम वाला हो गया, अब देखना बाकी पेमेंट वेमेंट से पात्र तो, यहां देखो क्या है, मार्केटिंग लिंक, एफिलिएट लिंक, क्या है, एफिलिएट लिंक, ये जैसे ही आप क्लिक करोगे, समझना एक बार समझना, यस शैलेंद्र ठाकुर ये किया था आपने, आप मेरे वो कर्मचारी थे, समझे आप मेरी बात, अरे मैं मेरे पूरे राज बता रहा हूं आप लोगों को यार, और क्या, और इससे ज्यादा क्या हो सकता है, इससे मैं 16,000 से ऊपर हो गया मेरे यहाँ पे, समझिए बात, अब जैसे मैंने, अब ये देखो, जैसे ये देखो उसके जो मैं हूं, मैं एफिलेटर हूं, ठीक है, मैं कौन हूं, मैं एफिलेटर हूं, ठीक है, वो क्या कर रहा है, यहाँ पर उसका लिंक आ गया, जो मेरे कोर्स में थे उनको सबको समझ में आ गया होगा, आई बात समझने, वो कहाँ गए, एक
अजय ठाकुर, बहुत बहुत सेल किया आपने मेरे लिए। हाँ जी सर। अब आया समझ में? हाँ सर, ये तो कर रखा है आपने बताया था। ये तो कर रखा ना, लेकिन आप उस समय किसके लिए कर रहे थे? सिर्फ मेरे लिए कर रहे थे, आपने आपके लिए नहीं कर रहे थे? हाँ सर, आपके लिए कर रहा था। अब आई समझ में? ब्रिजभूषण जी, ब्रिजभूषण जी। हाँ जी सर, सुन रहा हूँ। आप भी मेरे लिए कर रहे थे? हाँ जी, हाँ जी, है ना। अब आप ये सब चीज, ये सब चीज आप अपने लिए करना। ब्रिजभूषण जी, अजय ठाकुर, सिकंदर हसन, ऐसे जो दिन के दो दो तीन तीन बेचते थे, ऐसे मेरे यदि 2000 लोग हुए, 1000 लोग भी है, आप सोचो यार, सोचो। आप सारा सिस्टम आपके पास पड़ा है, सारा सिस्टम मैं दे रहा हूँ, 1 रुपये नहीं कमाया। हाँ, अब की बार तो कमाऊंगा आपसे, ये इसके कमा दिया ना, आप भी कमाओगे और मैं भी कमाऊंगा, ठीक है। हालांकि मेरे 15000 रुपये उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको मैं हर चीज इंटरनली जो कोई नहीं बताता वो सारी चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये लिंक आ गया, ठीक है, जिन्होंने कोर्स पता उन सबको समझ में आ गया। ये लिंक आ गया और इस लिंक पे जैसे मैंने इस पे किया, या अब ये आने के बाद में, ठीक है, ये बंदा किधर भी जाएगा, किधर भी जाएगा, उसका जो लिंक है ना ऑटोमेटिक, इसमें भी कर नहीं रखा, लेकिन इस ये फर्स्ट साइट के ऊपर आएगा और आने के बाद जहां भी वो जाएगा तो भी करेगा और सब चीजें के पास इसके पास, ठीक है। आई बात सर, बाकी आगे की चीज में धीरे धीरे बताऊंगा, एक ही दिन में बताऊंगा तो आपको सबके ऊपर से चले जाएगी। इसमें बहुत सेटिंग होती है, इसमें बहुत ज्यादा सेटिंग होती है। अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे अभी एक चीज देखना, सबके सब एक चीज देखना, मैं लिंक से गया और किधर गया, तो मेरा व्यूज देखो, विजिट कितना हो गया, काउंट आया कि नहीं आया? विजिट 1। अभी ये बंदा यहाँ पर ऐसे सेट कर सकता है, ये बंदा अगले 30 दिन में या 60 दिन में या 90 दिन में जब भी इस साइट पे आके खरीदेगा ना, वो आपके इसमें काउंट हो जाएगा। वो सब चीज मैं बाद में बताऊंगा, कल बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि सिर्फ आपको दो चीज करनी है आज वाली क्लास में, एक तो इंस्टा मुझे करना है, एक ये करना है, ठीक है। दूसरी ये सारी चीज समझ में, ये दोनों में खत्म कर रहा हूँ यहीं पर एक बार, क्योंकि ये दोनों चीजों को आपको भी करना है, ठीक है। लिख लो सब अपने नोटपैड पे, लिखो फटाफट, लिखो आप जिसको भी लिखना है। लिखो, एक तो आपको वो मैंने जो लिंक दिया है इंस्टा मोजो का, उसका पूरा प्रोसेस करना है आपको, जो भी आपको रजिस्ट्रेशन करना है वो सब चीजें वो करना है। दूसरा, मैंने ये जो दिया है आपको आज, ठीक है, आपके फेसबुक के ऊपर, उन सबको आपको यहाँ प्लगइन में इंस्टॉल करना है, ठीक है। ये दो काम है, ये दो काम से इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना। तीसरी चीज मैं जो बताने वाला हूं मैं आपको, आपने खूब सारे लैंडिंग पेज बना दिए, ठीक है। मेरा कोर्स है उसमें 199 बोल रखा, उसके अंदर अलग ही, मैं उसको एक चेंज कर दूंगा। अब देखो, अब एक मेरी प्लान समझ लेना, अपन को एक ऑनलाइन कोर्स क्या, अपन क्या दे रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। इसको मुझ कर दिया, अब मैं आपको बताता हूँ कि डिजिटल जो अपना फर्स्ट पेज होगा उसके अंदर आपको ये नहीं बोलना है कि मेरी ये एंडिंग है, मेरी ये एंडिंग है, ये वाला नहीं करना है आपको। आपको जो करना है वो ये करना है कि आपको ये बताना है
कि ये कोर्स लेने से आप क्या कर सकते हो, तो यहाँ पर देखो आपको क्या फायदा होगा, ये दिमाग में रख के एक लैंडिंग पेज बनाना आपको, और उसको अपने प्रोडक्ट से जोड़ना है। ठीक है, देखो मैंने क्या लिखा है, समझना इस बात को। इफ यू वांट टू अर्न 1 lakh ए मंथ सिटिंग एट होम, डेफिनेटली वॉच द वीडियो गिवन बिलो। ये मैंने लिखा है, ठीक है, इसमें आएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। सर ये वाला आपका जो लैंडिंग पेज है ये टेम्पलेट द्वारा बनाया गया होगा? ये आप जरूरी नहीं है कि टेम्पलेट द्वारा बनाया गया, बस इतना सा टेम्पलेट लिया, बाकी नीचे आप बनाओ। इसके आप वैसे भी बना सकते हो, एकदम व्हाइट में बना सकते हो। ये तो मेरे तुक्के से बना था, जो ज्यादा बढ़िया मुझे नहीं लग रहा। मैं अभी सिर्फ आपको ना वो बता रहा हूँ कि कंटेंट के बारे में बता रहा हूँ मैं, सिर्फ कंटेंट समझो आप, ठीक है, आप कंटेंट समझो सिर्फ। ध्यान से समझना इस चीज को, अभी आप थोड़ा सा माइंड अपना ओपन रखना, सवाल जवाब एकदम लास्ट में बताऊंगा। अपन सर मेरा आपको कॉल करने के बोला था ना, लेनी पैसा को कैसे कर सकते हैं। हाँ, वो मैं एक ही चीज बताऊंगा एक बार, फिर बार ये मैं आपको पर्सनली बता दूंगा। अभी अब एक चीज समझो, अपन ये कोर्स बना रहे हैं ना, ये अपन क्या बना रहे हैं, पहले तो ये चीज अपन क्या बता रहे हैं यहाँ पर, अपन यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इस समय मार्केट में सब अपना कोर्स सेल कर रहे हैं। देखो उसको लगना चाहिए सब सेल कर रहे हैं, फेसबुक एड, गूगल एड, ये एड, वो एड, सब कुछ सेल कर रहे हैं, ठीक है। बट वो आपको सेल तो कर रहे हैं, लेकिन आप सेल, आप उनको फेसबुक आप पढ़ तो लो, और ये रियलिटी भी है, आप उनको आप पढ़ तो लो, लेकिन इम्प्लीमेंट कहाँ करोगे, आई बात समझ में। वो इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाओगे तो आप उनका कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो अपन ने क्या बनाया, एक ऐसा सिस्टम बनाया है जहां पे आप फेसबुक एड या जो भी मार्केटिंग चीज है वो आप सीखोगे, और उसी चीज को आप खरीद, जो आप खरीद रहे उससे सीखोगे, और उसी चीज को सेल करके एफिलिएट करके उससे कमाओगे भी। आई बात समझ में, सच बात है, बिल्कुल सही बात है। अपन क्या कर रहे हैं, उनको सिखा भी रहे हैं, और सिखाने के साथ ये बता रहे हैं कि आप इससे अर्निंग भी स्टार्ट करो, तो उनका फर्स्ट स्टेप, जो फर्स्ट स्टेप है वो स्टार्ट हो जाएगा। आ रही बात समझ में सबको, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं समझो, लॉजिक समझो, मैं क्या लॉजिक लगाया, मैंने ये लॉजिक लगाया है भाई, आप इसको फेसबुक सीखते हो, गूगल सीखते हो, सब कुछ सीखते हो आप, ठीक है, लेकिन आप एक चीज ये सीखो कि आप सीखने के साथ आप इसको इंप्लीमेंट करके आप उसको अर्निंग भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या 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 लिखा है, ये देखो, ए सिस्टम दैट विल हेल्प यू लर्न योर स्किल एंड अर्न योर डेली इनकम, ठीक है। हम लोग उसको फेसबुक का सब चीजें देने वाले हैं, और उसको ये बता रहे हैं, फेसबुक एड्स वगैरह सब चीज दे रहे हैं, प्लस हम ये सबसे पहले तो अपन क्या दे रहे हैं, उसको ये बता रहे हैं कि ये कोर्स क्या है, ठीक है। उसके अंदर ही अपन ने क्या दे रखा है, उसको फेसबुक ऐड के बारे में अच्छे से बता रखा है, उस फेसबुक ऐड को भी अपन ने क्या कर रखा है, समझना लॉजिक समझना, जो आपके लिए इनकम करके देगा, उसको क्या बोल रखा है कि अपन फेसबुक ऐड भी इस तरीके से अपन ने बनाया है उसके लिए, ठीक है,
कि वो बंदा इस चीज को ही इंप्लीमेंट करके इसी को सेल आउट करे। तो सबसे पहले आदमी क्या करता है, सीखने के साथ ही इनकम करना चाहता है। जो मेरे साथ हुए, तो मेरे साथ जितने भी लोग वो लोग हुए, वो उन्होंने सीखा, लीड निकाली, जो भी काम किया सब कुछ किया, उन्हीं को सेल करना स्टार्ट कर दिया। तो सीखते सीखते वो अर्निंग भी करने लगे, वो अर्निंग करने लगे तो मैं अर्निंग करने लगे। लॉजिक समझ में आया, यस या नो? चेक करो यस या नो। है ना, बढ़िया लॉजिक। तो अगले को क्या कर रहे हैं अपन, सिखा भी रहे हैं और उससे क्या कर रहे हैं, उससे अपन क्या कर रहे हैं, रिपीट करो। अपन अपने जो कोर्स में जो आएगा ना, कोर्स में ये आएगा कि आप फेसबुक ऐड कैसे करोगे, वो क्या करोगे, और उसी को इसी के साथ मतलब अपने इसी कोर्स को कैसे सेल करना है वो ही करना है। वो अपने डालना वो बता दूंगा मैं आपको। इसी के साथ अपन क्या कर रहे हैं कि इसी कोर्स को सेल करने के लिए बात कर रहे हैं। तो बंदा जाएगा क्या, फेसबुक सीख भी रहा है, अब उसको अर्निंग करनी है, तो दूसरे के तो जाने से रहा, उसको पता ही नहीं दूसरे के क्या करेंगे, तो इसी कोर्स को क्या करेगा, वो सेल करना स्टार्ट कर देगा। तो आपको जो एक बार पैसे देके गया, वो आपको बार बार भी देखे पैसे देके जाएगा, और जो जिसको भी वो बेचेगा वो भी ये चीज कोर्स सीखेगा, और उसको भी क्या करेगा, वो भी बेचना चालू कर देगा। जब वो बेचना चालू कर देगा तो वो भी इसी को सीखेगा, और इसी को क्या करेगा, सेल करने लग जाएगा। तो आपको काम करने की जरूरत है क्या? ये आपको जो बंदा खरीद रहा है, बाद में वो अपना एफिलिएटर बन जाएगा, वो बात वही तो बता रहा हूं ना। इस कोर्स में बताया ही गया है कि आप फेसबुक सीख रहे हो, फेसबुक सीखने के बाद आप इसी कोर्स को बेचो, इसी इस कोर्स को बेचने के लिए आप एफिलिएटर बनो, एफिलिएटर बनने का तो वो उसको बेचना स्टार्ट कर देगा। यार माइंड समझो, ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। तो भैया नेटवर्क नहीं होता, ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, एमएलएम नहीं है यार, ये है ईमेल मार्केटिंग। लास्ट में बताऊंगा आपको मैं क्या होगा, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा, वो आपने एफिलिएट के लिए यूज करना अपन। अब आप समझना यार, एक चीज सब यार अभी तक हुआ ही नहीं क्या। अब आप एकदम सब ध्यान से समझ लिया, ठीक है, ये आपकी साइड है समझो, और मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि जो भी ये बंदे जितने भी बंदे अपने, इसके अलावा ये सब कभी किसी को रिवील मत करना ये सब चीजें, क्योंकि थोड़े दिन बाद में, महीने दो महीने तीन महीने बाद में आपको ये पूछने लग जाएगी क्या इनकम हो रही है आपसे। यदि इसको जिसने सही कर लिया ना, सही सेटअप कर लिया ना भैया, तो दो तीन महीने में आपको समझ में आ जाएगा। आप ब्रिजभूषण जी और हमारे वर्क में डिफरेंट क्या है? ब्रिजभूषण जी, इसमें ब्रिजभूषण जी हो गए, ठाकुर जी हो गए, शैलेंद्र ठाकुर हो गए, ये लोग मेरे इसमें ये लोग इन्होंने मेरा ये परचेज किए थे। अजय ठाकुर जी ने, मैं समझाता हूँ, अजय ठाकुर समझ लो, चलो कौन कौन, अजय ठाकुर जी एक बार ऑन करना अपना, अजय ठाकुर थे ना क्या? यस सर, यस सर, यस सर। और ब्रिजभूषण जी कहाँ है? जी सर, यही है। ठीक है, अब देखो अजय समझना इस बात को, देखो लाइव है, एकदम प्योर प्योर से प्योर लाइव बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये भी सोचेंगे यार सरस्वती किरण बाज एक बात है, लेकिन आप समझना, अजय ठाकुर जी ने मेरा, मैंने इनको फ्री में दिया, अजय ठाकुर जी फ्री में दिया ना मैंने आपको? यस सर। ठीक है, इतनी सुस्त कैसे बोल रहे हो? नहीं सर, सुस्त नहीं बोल रहा हूँ। अभी आपको धोखा आ रहा है यार, मैंने क्या कर दिया यार, ये तो बहुत इजी है। ठीक है, अब अजय ठाकुर ने क्या किया, किसको दिया? ब्रिजभूषण जी को। ब्रिजभूषण जी को अजय ठाकुर ने दिया ना शायद? यस सर, एग्जैक्ट नहीं मालूम, मुझे बताया, मैं बताया, मुझे बताया। ब्रिजभूषण जी ने दिया, मुझे दिया, मुझे बताया, क्योंकि मुझे तो पता रहता ना वो किसका क्या है। ठीक है, ये ब्रिजभूषण जी आ गए। ठीक है, तो इनको तो अजय, समझना सब यार, देखो इधर उधर सब छोड़ दो एक बार,
अजय ठाकुर को मैंने क्या किस में लेके आया, फ्री में लेके आया मैं, ठीक है, इनको तो फ्री में ले आया। अब इनको इनकम करनी थी तो इन्होंने क्या किया, ब्रिजभूषण जी को अपनी चीज बेची और अपना पैसा अपने उस अकाउंट पे आ गया, उनके लिए आ गया, ठीक है। ब्रिजभूषण जी ने तो पैसे दिए कि नहीं दिए, ब्रिजभूषण जी पैसे दिए कि नहीं दिए आपने, सर हो क्या? दिए सर, पैसे दिए, दिए ना पैसे, नहीं सर दिए पैसे, पैसे दिए। अब इन्होंने तो खरीद लिया और इनको कमीशन आ गया अजय ठाकुर जी को। अब ये जो बंदा है, जो अजय ब्रिजभूषण जी है, इन्होंने क्या किया, इसको पढ़ा सीखा, ठीक है, थोड़ा बहुत सीखा जो भी सीखा, इन्होंने क्या किया, दूसरे बंदों को सेल कर दिया, कई जनों को। आई बात समझ में? तो ये जो अपने जुड़ रहा है, जो पैसा दे रहा है, वो अपनी इनकम के लिए तो भागेगा ना, जब ये अपने इनकम के लिए भागेगा तो ये भी सेल करेगा, तो ये जब सेल करेगा तो इनको मैं, ये हूं मैं, मुझे भी इनकम आ रही है। लास्ट टाइम में मैंने क्या किया समझना, मैंने लास्ट टाइम में क्या किया, फिर अभी भी वो चीज चल रही है, मैंने क्या किया कि जैसे ही अजय ठाकुर जी ने इनको पैसे दिए, इससे पैसे आए, तो अजय ठाकुर के पास चला गया 50%। समझना इस बात को सब ढंग से। अब ब्रिजभूषण जी क्या कर रहे हैं कि इनको सेल कर रहे हैं, ठीक है, हालांकि अजय ठाकुर को आया नहीं क्योंकि वो सब चीजें लास्ट में हुई थी। जैसे ब्रिजभूषण जी ने इनको सेल किया तो ब्रिजभूषण जी के पास कितना आ गया, 50% आ गया, ठीक है। और इन सब का जो भी ब्रिजभूषण 50% ये भी जो बिका, तो अजय ठाकुर के पास, समझना इस बात को, आया नहीं अजय ठाकुर के पास क्योंकि लेट, बाद में इसको इम्प्लीमेंट किया था बोर्ड लाइट, तो इनका जो भी ये बिका ना, उनका 20% का आ गया अजय ठाकुर के पास आ गया। समझ लो इस बात को, अरे बात समझ में। अब ये लोग किसी को बेचेंगे तो अजय ठाकुर के पास नहीं जाएगा, ये तो MLM हो जाएगी, ये 50% इनके पास आएगा तो 20% इसके इनके पास आएगा, तो ये प्योर एफिलिएट मार्केटिंग हो गया। आई बात समझ में? लेकिन फायदा किसको हो रहा है भैया, ये बेटा आकाश माथुर, भैया तुम तुम्हारी करते जाओ, कितने लोग होंगे, कितने लोग होंगे, कितने लोग होंगे, कितने लोग होंगे, और सब अपने अपने लिए भागेंगे, उनको पता नहीं है भाई लोगों तुम लोग मेरे लिए भाग रहे हो। ये कंसेप्ट समझ में आया? यस या नो? और जिसमें मैंने लाइव दे दिया है, आपको लाइव लाइव दे दिया, मेरा सारा मकसद पूरा हो रहा है, ये समझ लो क्या हिमांशु, क्या मुझे सर, यस सर, इस सर बट डिफरेंट है कि सेम है अब भी, समझा नहीं हिमांशु, मुझे बात ही नहीं समझ। सर मैं ये बोल रहा हूँ, हेलो, कि जो पहले जो इनने किया है, जो क्या नाम है उनका, ब्रजभूषण जी ने और इन्होंने, तो वही वर्क अभी भी सेम है कि इसमें कुछ अंतर हो रहा है मेरे वाले प्रोडक्ट में? हाँ नहीं, जैसे आप बोल रहे थे कि पहले ये लोग आपके लिए कर रहे थे, अब मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीजें, तो अभी क्या ये चीजें बदल जाएंगी कि अभी से अभी भी वही रहेंगी? भाई मैं मेरे सीक्रेट बता रहा हूँ यार, वही रहेगी जो आप करोगे, इसमें मेरा कोई पैसा नहीं आएगा भैया, इसमें मेरा पैसा कहाँ से आएगा ये बताओ। ये मैं आपको, मेरे जो प्रोडक्ट है, मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया उससे मैंने इतना पैसा कमा रहा हूँ, मैं आपको वही चीज आपको मैं सिखा रहा हूँ यहाँ पे। आई बात समझ में? हेलो हिमांशु जी, जी 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 सर जी, ये आपको समझ में आया? आपको बात समझ में आई कि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कि आप अपने अपना ये प्रोजेक्ट, आपका आपका डोमेन होस्टिंग है, आपका सब कुछ कर रहे हो आप, ठीक है, आप उसको आगे ऐसे बढ़ा रहे हो, ठीक है, मैं मेरा कोर्स दे रहा हूँ, उसका कोई पैसा नहीं ले रहा, ये जो सारी चीजें हैं, ये जो चीजें मैं ये बता रहा हूँ,
ये अपन ना किससे होगा, एफिलिएट मार्केटिंग से होगा। एफिलिएट मार्केटिंग के लिए अपन ने आज प्लगइन चालू कर दिया, ठीक है, और ये जो पैसा लेना है वो इंस्टा मोजो से अपना हो जाएगा, ठीक है। अभी ये क्या होगी, जिसको भी आप मैंने अभी अभी ये समझ लो, आप अभी मैं जो बता रहा हूँ, मैं आपको बोलता था ना हजार लोग फ्री, ये हजार लोग का जो लफड़ा है, आप समझो, हजार लोगों को मैं आपको बोल रहा था ना फ्री वाले, वो फ्री वाले कौन हो गए अपने, जिसे मेरे अजय ठाकुर था, अजय ठाकुर जी थे, ठीक है। फिर अजय ठाकुर जी ने क्या किया, इनको तो मैं फ्री में लिया यार, ठीक है, मेरा भी क्या जा रहा है, तो मेरे लिए तो एक है ना भाई, कोई बुरा मत मानना, ये एक है ना स्ट्रेटेजी है, इसलिए कई चीजें बोलनी पड़ती है। मेरे लिए तो एक बने बनाया एक कर्मचारी मिल गया, अजय ठाकुर, शैलेंद्र ठाकुर, सिकंदर हसन आपके इस ग्रुप के हैं, ठीक है, संदीप, वरुण, आई बात समझ में, ये लोग मेरे फ्री वाले लोग हो गए, ठीक है, ये मेरे लिए कर्मचारी हो गए, मेरे लिए काम कर रहे हैं उनको, और वो क्या सोच रहे हैं, हम हमारे लिए काम कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग में ये जो चीज बता रहा हूं, यूट्यूब खंगाल लेना, ये सीक्रेट कोई बता दे तो, इसके इस सीक्रेट के ऊपर क्लिक बैंक चल रहा है, अमेजोन चल रहा है, फ्लिपकार्ट चल रहा है, कोई सा भी देख लो आप, सब इसी चीज पे चल रहे हैं। एक बंदा कितना सेल कर लो गया, दिन के 2 कोर्स, दिन के 10 कोर्स, बस, फिर पैसिव इनकम क्या हुई, फिर अच्छा इसमें अच्छा काम भी ये कर रहे हैं कि लोगों के लिए भी अपन अर्निंग दे रहे हैं, लोगों के लिए भी अर्निंग दे रहे हैं। यदि 100% है तो मैं 50% एक दे रहा हूँ, 20% एक दे रहा हूँ, 30% मेरे पास ले रहा हूँ मैं सिर्फ, लेकिन 30% देने वाले मेरे हजारों लोग हो जाएंगे। नहीं नहीं फिर तो MLM हो जाएगा 30% के बाद जो लोग, अरे आपको तो आएगा यार, 30% के बाद जो लोग जुड़ेंगे उनसे हमें कमीशन देंगे यार भाई। सर अभी भी कुछ लोगों की कर्मचारियों वाली सोच है सर। अजय जागीर भाई सिखौड़ी का बंदा है यार, तू ऐसे मत कर, मैं बोलना चाह रहा हूँ अपने पास हमेशा अर्निंग आएगी, लेकिन जो बंदे ने जोड़ा है, जैसे मान लो अजय ठाकुर ने ब्रिजभूषण को जोड़ा, ठीक है, सेल किया, समझ ले, ठीक है, MLM नहीं बता रहा, बहुत नफरत है मुझे MLM से, मैं MLM नहीं बता रहा, ये एफिलिएट है, ठीक है, प्योर एफिलिएट, ये ब्रजभूषण से ये ब्रजभूषण को जोड़ा, अब इसका जो 50% है अजय ठाकुर को आ गया, ठीक है, अब ब्रजभूषण आप किसी को भी बेचेगा, ब्रजभूषण जी को मिल जाएंगे 50%, ठीक है, और ये जो ब्रजभूषण जो बिके वो मिलेगा अजय ठाकुर को, ठीक है, लेकिन मेन कंपनी तो ये है ना आपकी, अजय जांगिड़ है ना, ठीक है, अब जो भी इसको जो भी मिलेगा, इनमें से जो भी आएगा वो आपके पास तो आएगा ही, ये करेगा तो भी इनके पास आएगा, ये करेगा तो भी आपके पास आएगा, इनको करेगा तो भी आपके पास आएगा, आपके तो हर बंदा जो भी करेगा, आप तो यार मालिक हो यार, आप तो मालिक हो, तुम्हारा प्रॉफिट है, सही बात है। हाँ इंस्टा मोजो पेमेंट का आपको मैंने लिंक दे दिया, उस लिंक से जुड़ जाना, आपको 500 रुपए मिल जाएंगे, ठीक है। अभी जो मैं बात करने जा रहा था आपको, ये जो हजार लोगों को मैं बोलता हूँ आपको कि आपको अगले 6 महीने में करने हैं, 1000 जने फ्री के, तो अब बताओ आप इस मेथड से 1000 लोग कितनी जल्दी होंगे, कौन कौन मेहनत करना चाहेगा, कौन कौन, मैं कोई भागने की बात नहीं कर रहा, मैं अपने आपको अपना कमरा भी नहीं छोड़ना, आपको जींस भी नहीं पहननी, आपको पैंट भी नहीं पहनना, मैं बोल रहा हूं ये बात, हाँ रुकावटें देखो, रुकावटें आ सकती है, बहुत सारे लोग हैं जो ब्रिज भूषण जी ने अपनी टीम पहले से बना के रखी है,
वो मुझे बोले थे एक दिन की सर वो दो चार पांच दस लोग वो खरीदना चाह रहे, मतलब यार 5 दिन रुक जाओ आपका कुत्ते हो जाएगा स्टार्ट, मुझे पैसे देने से क्या मतलब है, आपके पास सारा सीक्रेट आपको पता ही है। अब आप एक चीज सोचो 1000 लोग है, समझो आप आपने 1000 लोग कर लिए अगले 20 दिन में, मान के चलो ये इस 1000 में से, मैं समझना एक बात समझना, ऐसा नहीं होगा 1000 के 1000 आपके लिए काम करेंगे, हाँ ये तो लग ही नहीं, ये तो मेरे पुराने स्टूडेंट है ये वरुण जी वगैरह तो बहुत। अब यहाँ पे देखो ये 1000 लोग है, मान लो 300 लोगों ने भी ना, समझना इस बात को कैसे आपके 1000 लोग होंगे, 1000 लोगों को एफिलिएट किया आपने, समझना बात को ध्यान से, 1000 में से 300 लोगों ने वर्क किया, सॉरी 300 लोगों ने आपके लिए फर्स्ट मंथ वर्क किया, अरे यार 3000 लिखा जाता है मेरे से, 300 लोगों ने ही आपके लिए वर्क किया और इन लोगों ने फर्स्ट मंथ ही आपको दो दो सेल करके दे दिए, तो कितने हो गए, 300 तो थे 600 और हो गए, 900 आपके फर्स्ट मंथ में हो गए, और अर्निंग 600 तो थे ही, 300 तो थे ही 600 और हो गए, तो 900 हो गए ना, और अर्निंग, अब मेरी बात समझो, अर्निंग की कोर्स की प्राइस कभी भी कम मत रखना, कोर्स की प्राइस जैसे मैं 199 रखा, थोड़ा स्टार्टिंग में कम रख लो, वो आपके ऊपर आपको क्या रखना, ठीक है, बट आप जो भी रखोगे उसको ऐसा होना चाहिए कि बंदा खरीद सके, ठीक है, और उस पर काम कर सके। अब मान लेते अपन 599 रुपए अपन ने रख लिया, मान के चले मैं ये मेरा नहीं बता रहा आपसे, 599 सीधा सीधा 70% निकाल दो एक बार आप, और 30% आपका, तो आपके पास बचे 180, मान लो 200 रुपए आपके बच रहे हैं, मान के चलो यदि 300 लोगों ने, समझना एक बात, 300 लोगों ने दो दो वजह तो 600 लोग हुए, समझ रहे हो बात, 600 आपको कितना मिल रहा है, सिर्फ 200, बाकी 50% एक के पास गया, 20% एक के पास गया, तो 180 बचा 37% में, ठीक है, तो 600 लोग आए नए जिनको उन्होंने बेचा, समझना इस बात को, और आपके बच्चे कितने, फटाफट कैलकुलेशन करके बताओ, 1,20,000 सर, एक जिले को पता है सिर्फ, ये बहुत छोटी कैलकुलेशन है, मैं 1000 में से 700 जनों को फ्री में आया, लेकिन किन्ने किया, 1000 जनों को लेके आया एफिलेट से, आपके 1000-2000 रुपए लग गए फेसबुक के ऊपर, ठीक है, उसके बाद सिर्फ 300 लोगों ने ही पीआर 200 लोग किए, अभी आपके पास 900 लोग, अब समझना एक बात, अब समझना आगे आगे बात समझ लेना आप, देखो आपको 900 लोग हुए, 900 में से 400 लोगों ने नहीं किया काम, 500 लोग उस अगले मंथ में किया काम, और सिर्फ दो दो बेचे, मैं दो दो एक एक दो दो के बता रहा हूँ यार, ठीक है, एक 1000 लोग कहाँ से आएंगे, अरे वो तो मैं अभी पूरा सीक्रेट बताऊंगा, 1000 लोग कहाँ से आएंगे, आपको घर ही नहीं छोड़ना, आपको घर से बाहर ही नहीं निकलना, 1000 लोग हो जाएंगे फेसबुक एड से होंगे, फेसबुक एड से आई बात समझ, जैसे आप लोग मेरे पास आए कि नहीं है, 500 लोगों ने दो दो बेचा, 1000 बिक गए, 1000 × 200 कितने हो गए, 2,00,000 रुपए। अब आप ये सोचो, इतना दिन तो आप ये सोच रहे होंगे कि यार आकाश में तो फेक रहा होगा, लेकिन अब ये बताओ आप, फेक मेरी अर्निंग हो, ये ऐसी हो रही कि नहीं हो रही आपके हिसाब से बताओ, यस या नो, सिर्फ दिमाग चलाना पड़ता भैया, इसको अपन फनल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फनल, जिंदगी का एक फनल आपको करोड़पति बना देता है,
आपको करोड़पति बना देते हैं। ठीक है, तो आज अपन ने क्या किया, इंस्टा मोजो वाला सब का सब करना, सब डॉक्यूमेंट डाल देना, ढंग से डालना, नहीं तो अनअप्रूव हो जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, दूसरा ये जो मैंने आपको दिया है इसको इंस्टॉल करना। देखो आसान तो है लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, हर दिन एक जैसा नहीं होता, हर दिन एक जैसा नहीं होता, लेकिन अपन लगातार इस चीज में, देखो आपको पता है इस चीज से अपन पैसा कमा सकते हैं, तो इस किसी चीज को पाने के लिए एक आप अकेला बंदा भाग रहा है, समझो इस बात को, उसको आपको करने में एक साल लग जाएगा, उसी चीज को अपन ऑनलाइन और ऑफलाइन करके आप करते हो और उसी को आप अपन इस तरीके से थोड़ा सा माइंड लगा के कर लेते हैं और इसका वहां डॉक्यूमेंट रिक्वायर वो आप वहां पर पता चल जाएगा आपको। इस तरीके से अपन कर लेंगे, थोड़ी मेहनत कर लेंगे तो आप आपके पास पैसा बहुत जाएगा। जो स्टूडेंट आएगा, समझा नहीं मैं, अच्छा किसी के पास कोई लैपटॉप नहीं है तो यदि वो नहीं कर पा रहा है तो बहुत सारे स्टूडेंट अपने यहाँ पे, वरुण जी है वो उनका काम कर देंगे, हालांकि काम कर देंगे लेकिन मैं तो ये सोच रहा था कि एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर बिजनेस तो आप आपका है, लेकिन जैसे किसी के पास लैपटॉप है मोबाइल नहीं और सॉरी लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है तो एक वरुण जी है वो मैं बता दूंगा ना, वो आपकी हेल्प कर देंगे आपकी। ठीक है, बट मैं तो ये सोचता हूँ कि कहीं से भी जुगाड़ो यार, ये बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत ही बड़ा बिजनेस है ये। ठीक है, और इसको आप एक बार लाइन पे लाने के बाद, अभी ये बताओ यार पोस्टिंग मैंने गलत थोड़ी ना ली थी 599 की, अब आपसे जो महीने का 599 रुपए लगेगा आप कितना पैसे कमाओगे? हाँ, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग कुछ अलग है, ये कुछ अलग है, वो अपने दूसरे के लिए करते थे, ये अपने खुद के लिए करेंगे, और ये एफिलिएट मार्केटिंग है एक तरीके से, ऑनलाइन में एफिलिएट मार्केटिंग है। ठीक है, तो वहां पर अपन उनको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, उससे एफिलिएट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही रखते हैं, आप दोनों चीज वे अपना एफिलिएट वाला भी कर देना, उसमें कुछ छेड़ना नहीं। हेलो हेलो, हाँ सर, ये बोल रहा था कि सर थोड़ा सा नेट बचा लियो सर, तो हिमांशु बोल रहा था। हाँ बताओ, नेट बचा लियो सर, बिल्कुल वो आपकी आवाज बहुत कट रही थी और एक दो दिन से ना वो वीडियो भी कैसी आती। अब तो क्या करूँ मैं, समझा नहीं मैं आवाज, नेट नेट कैसे मतलब बचा लिया करो हम लोगों के लिए, नहीं तो आप पूरी क्लास में खत्म कर दीजिए। आपका नेट बचा लूं कि मेरा नेट बचा लूं? अच्छा, आप अपना सर। अच्छा, अरे यार लाइव क्लास की बात अलग होती है, लाइव नेट नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, उसमें क्या है सर। एक क्वेश्चन है, हाँ कौन बोल रहा, सागर? हाँ सर, सर इंस्टा मोजो मैं अभी ये साइन अप किया तो उसमें दो ऑप्शन आता है शुरू में, पेमेंट्स और फ्री ऑनलाइन स्टोर, तो अपने को पेमेंट्स में जाना है ना? पेमेंट्स वाले, ठीक है ना। और सागर जी आप आज लेट ज्वाइन हुए, आप बहुत लेट ज्वाइन हुए आज। नहीं सर, वो हम फोन से हुए थे अभी सर, एक लैपटॉप जुगाड़ की उसमें फिर बाद में ज्वाइन किया। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अभी क्या है कि अच्छा राज यूट्यूब, राज जी जैसे बोले आपको कुछ नहीं करना है, आपका सारा किया हुआ है, आपको इंस्टा मोजो में करना है, ठीक है ना सर। मेरा क्वेश्चन है सर, एक क्वेश्चन, एक सेकंड, पहले राजकुमार जी को पूछ लेता हूँ, आप पूछो सर। जैसे मान लीजिए अपने को जो 500 रुपए मिलेंगे वो फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपके साथ करना होगा तब ना मिलेंगे सर? अरे नहीं, किसी के साथ कर लो, 500 रुपए, 500 रुपए नहीं, मिलेंगे सर, मतलब फर्स्ट ट्रांजेक्शन करेंगे तभी मिलेगा, मतलब करेंगे तभी मिल जाएगा फर्स्ट ट्रांजेक्शन के बाद, वो फर्स्ट ट्रांजेक्शन 1 रुपए का करो ना, क्या दिक्कत है, ठीक है ना सर? आपके साथ करना है ना? अरे नहीं, मेरे साथ नहीं रहे यार,
किसी के साथ ही फर्स्ट ट्रांजेक्शन किसके साथ कराना है? किसी के साथ कर लेना, मैं बता दूंगा उस समय तक बता दूंगा, आप पहले डॉक्यूमेंट डाल लेना ठीक है। ओके ओके सर। हाँ सुरेंद्र जी डॉक्टर सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ बताओ सर, आपका जो पेज बना था वो लैंडिंग पेज जिसमें अभी वीडियो चला रहे थे आप, तो वो आपने टेम्पलेट से बनाया होगा, तो अभी क्या है मैं आज पूरे दिन टेम्पलेट को देखता रहा, उस प्रकार के टेम्पलेट नहीं मिले मुझे, और थोड़ा इस पे थोड़ा एक बार समझा दीजिए टेम्पलेट पे काम कैसे करना है कैसे, क्योंकि सभी लोग सर एक जैसा सिंपल टाइप का बना देंगे तो सिंपल ही बनाना है अपन को, ये टेम्पलेट वाला नहीं बनाना है, टेम्पलेट वाला बेटर नहीं है, समझे बात है सर। आकाश सर, शैलेंद्र जी का कहने का मतलब है कि हम 30 लोग हैं, 30 लोग कम से कम हर कोई ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप का अपना लैंडिंग पेज बनाए, मार्केट में जब एक जैसा ही सामने सबका आएगा तो वो मेरे हिसाब से नहीं चलेगा, तो सभी को डिफरेंट थोड़ा बनाए सारे। देखो ये तो, देखो ये जी तो, सर यही बोलना चाहता हूं, ये तो आप अपना हिसाब से सोचना पड़ेगा, आपको अपना कंटेंट खुद से खुद लिखना पड़ेगा। मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ यार, देखिए सर ने मैं 30 के लिए अलग अलग कंटेंटमेंट तो लिख नहीं सकता, समझ रहे मेरी बात आप, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से लिखो, मेरा मीटर देख कर लो, उसको अपना चेंज करके ना आप कुछ भी चेंज करके आप उसको कैसे लिखो, आई बात समझ में आपको अजय ठाकुर जी? ठीक है सर, जो आपने ये वीडियो डाला है इसके हम आपका ही वीडियो डालें या कुछ इमेजेस डालें वहां पे? आपको ब्रांड बनना है यार भाई, मुझे ब्रांड थोड़ी ना बनाना है, ठीक है, मुझे तो बिल्कुल कहीं पे भी मतलब क्या ना, नहीं तो वो सीधे मेरे मेरी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे लोग, आकाश स्मार्ट फूड ढूंढेंगे, मुझे 14 साल हो गए वो आ जाएंगे, आपका खत्म हो गया मामला, तो मुझे कमाई करने वो तो कोर्स परचेज करने के बाद भी आप पता लग जाएगा। अरे वो सर, वो तो कोर्स होता है, परचेज करने के बाद भी पता लग जाएगा यार, वो कोर्स मैं आपको अभी के लिए दे रहा हूँ, मैं कोई महीने डेढ़ महीने दो महीने के लिए, उसके बीच में आपको उस तरीके का बना दे, आप उससे हैबिचुअल हो जाओ, आई बात समझ में आपको, जिंदगी पर तो नहीं चलेगा ना मेरे साथ काम। यस सर, समझे बात सर। मैंने एक लिंक भेजा है, उसको आप एक बार देखें कि वैसा कैसे हम लर्निंग पेज बना सकते हैं। कौन सा? भेजा सर व्हाट्सएप पे? राज ठाकुर का नहीं सर, चैट में भेजा है मैंने, चैट में। ये तो मैंने आपको कल परसों इतने सारे वो बताए थे, तो उन जैसा आप बना सकते हो। यार नेट खत्म हो गया, पुष्कर ठाकुर इसमें क्या है यार, कुछ नहीं इसमें, ये तो यार अच्छा नहीं है। इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, इससे बढ़िया तो आप बना रहे हो यार। इसमें सर जो रेड कलर पूरे में किया है बैकग्राउंड में, हाँ, ये बैकग्राउंड वो कैसे होगा आपको ये वाला पीछे वाला क्या ये वाला क्या? हाँ सर, जो रेड कलर पूरे बैकग्राउंड में कर दिया। वो मैंने आपको एक बार बताया था ना, ऊपर वो पट्टी वाला बताया था मैंने, याद है क्या आपको, है ना, उस पट्टी वाला। हाँ सर, वो केबल पट्टी में होता था, इसमें पूरे में है। हाँ, तो उसको क्या कर सकते हो आप, उस पट्टी वाले को आप पूरे हाइट विड्थ करके नीचे तक लेके आ सकते हो, आप उसकी विड्थ हाइट है ना वो बढ़ा दो, और उसकी जो कलर कॉम्बिनेशन है ना वो आप चेंज कर सकते हो। आई बात समझ में? मैं आपको इसका एक बढ़िया सा और कभी एक बार ये दो तीन चीजें हो जाए तो स्टार्टिंग अपन जब करेंगे तो लैंडिंग पेज का मैं और बता दूंगा मैं आपको अच्छे से, ठीक है ना।
नहीं तो आज वाली क्लास एक दूसरे में घुस जाएगी। स्लाइड का ऑप्शन वर्डप्रेस में जो आता है वो तो लॉक आता है सर, उसमें क्या सर जो स्लाइड का जो ऑप्शन आता है ना, ये स्मार्ट स्लाइड जैसे बनाने के लिए आता है स्लाइड का, अरे वो यार लॉक आता है, खरीदना पड़ता है उसके लिए अलग से प्लगइन आती है, उसके लिए अलग से प्लगइन आती है। नहीं प्लगइन नहीं आती है, उसी को खरीदना पड़ता है, एलिमेंटर को खरीदना पड़ता है सर। एलिमेंटर प्रो लगेगा। हाँ तो अपन को नहीं खरीदना, अलग से भी डाउनलोड करके तो उसको कर सकते हैं। नहीं नहीं अपन को खरीदना पड़ता, उसमें भी एक दो तीन चीजें, तो इसके बारे में अपन कल बात कर लेंगे, ठीक है ना। आज तो फिर ये एक दो चीजें बताता हूँ, बाकी लैंडिंग पेज आप अपने माइंड से बनाओ यार। तो ये देखो मैं बताता हूँ, फेसबुक सेल करने वाले बहुत सारे लोग हैं, समझो इस बात को, ठीक है, और भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो वो सब के देखो लैंडिंग पे एक तुझे से नहीं होते ना उनके, मैं तो आपकी क्लास ले रहा हूँ ऐसे मान लो, तो आप इस चीज सोच रहे हो, नहीं तो आप अपना और भी चीज कर सकते हो, समझ रहे हो बात। आप अपना अपना तो कर ही सकते हो ना, अपना दिमाग तो चला ही सकते हो, इतना दिमाग तो दौड़ाना पड़ेगा देखो आपको, और तो वैसे तो कुछ भी नहीं है। सर मुझे एक बात पूछना था। हाँ बताओ। वो जो आपने आज ग्रुप में डाले हो ना लिंक डाउनलोड करने के लिए, वो मैं कर रही हूँ तो वो अनसपोर्टेड बोल रहा है। आपके विन जार डाउनलोड नहीं है, आप है ना अपने कंप्यूटर में विन जार डाउनलोड करना, नहीं होता तो मुझे बताना, और ना तो मैं आपके वहां पर डाउनलोड कर दूंगा, तो फिर वहां पर डाउनलोड होगा, ठीक है ना। अब मैं ना एक ना दो चीजें और बताना चाह रहा हूँ सबको, सब अभी तैयार हो कि सब जाना चाहते हो, मैं 10-15 मिनट का और लेना चाहता हूँ मैं क्लास। नहीं सर तैयार है सर, तैयार है सर, तैयार है सर, तैयार। मैं अब जैसे आज जैसे जैसे ना लॉकडाउन खुला है, ओपन हुआ है, तो थोड़ी एक खुशखबरी बता देता हूँ मैं आपको, और वो मैं आपसे भी शेयर करना चाह रहा हूँ। मेरे जितने भी क्लाइंट थे, जितने भी क्लाइंट है, और उसका पावर भी बताता हूँ, जितने भी क्लाइंट थे उन क्लाइंटों में सबके कल से फोन आ रहे हैं कि स्टार्ट करो स्टार्ट करो स्टार्ट करो। तो मेरे इतने क्लाइंट आपको बताऊँ कि अब उनसे पैसा भी लेना कि सर ठीक है स्टार्ट कर देंगे, पैसा डाल दो 20-25 हजार रुपए एक जने से लेता हूं मैं, तो दोपहर तक 4,23,30 हजार रुपए मेरे पास आ गए। अब बधाई हो सर जी, बधाई हो सर, लॉकडाउन ओपन हो गया सर, कांग्रेचुलेशंस। ओपन ही था, अब मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूं सर, मेरा ग्लो रोड में कैसे करना है बता दीजिएगा सर। बिल्कुल 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 बता दूंगा, ग्लो रोड में अभी वो बंद है सब किसे, वो बता दूंगा मैं। अच्छा अब मैं इसकी पावर भी थोड़ा बताना चाह रहा था, मैं आपको हमेशा क्लाइंट बेस वाला काम मैंने आपको ये बोला लास्ट में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ा माथापच्ची ये भी सब चीजें, तो मैं आज थोड़ा मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, ठीक है। देखो मैं क्लाइंट को कुछ भी नहीं आता डिजिटल मार्केटिंग, आता भी है तो थोड़ा बहुत आता है, उसके पास टाइम नहीं होता। आज मैं आपको ऐसा राज बताऊंगा, बहुत बढ़िया दो चीजें बताऊंगा, दो चीजें आप करना, पांच छह चीज तो पहले आ गई, मैं भी कुछ सब ऐसे मत सोचना सर, आप बहुत सारी चीजें एक साथ करो बता रहा नहीं हूं, आपके माइंड में ऐसा रखना चाहिए कि आपको कभी एक ही चीज सीखने के बाद आपको कभी ये नहीं लगेगा कि आपके पास कभी काम खत्म नहीं है, आपके पास कभी पैसों की कमी, ये कभी नहीं होगा इस जीवन में, तो नहीं होगा यदि आप ये सब चीज करोगे तो। तो ये 4 लाख एकदम से क्यों आए, क्योंकि मेरे पास क्लाइंट बहुत थे और मैंने उनको खूब अच्छे से उनको किया। अब आज अपन थोड़ी सी बात करते क्लाइंट बेस बिजनेस के, ठीक है। क्लाइंट बेस को सबसे ज्यादा क्या चीज, सिर्फ लीड चाहिए होती है, लीड और ब्रांडिंग, इन दो के अलावा उसको कुछ भी नहीं चाहिए। लीड में कस्टमर चाहिए, ब्रांडिंग में उसको ब्रांडिंग होना चाहिए,
ठीक है, मेरी स्टार्टिंग बताता हूं फिर आप भी सोचना इस चीज के लिए। मैंने एक एड चलाया, उसमें मैंने ये बोला, समझना इस बात को अच्छे से, कि मैं आपकी एक एड चलाया, आपकी जो भी कंपनी है उसके लिए मैं फ्री क्या कर रहा हूं, फ्री आपकी कंसल्ट, आपकी जो कंपनी जो भी है वो मैं सारा फ्री करूंगा। फ्री क्या हो गया, मेरी सर्विस, क्या हो गई, मेरी सर्विस। ध्यान से समझना एकदम, ठीक है, सभी लोग है ना, ठीक है। सर्विस मैंने ऐसे दिया, ठीक है, सबको, और मैंने यहाँ पर किसको किया सबसे ज्यादा, डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल को, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा वही देते हैं, समझना, डॉक्टर हॉस्पिटल को मैंने क्या किया, टारगेट किया। क्योंकि स्कूल में स्कूल का काम करोगे 3 महीने करोगे, किसी और का करोगे कोई सीजन वाइज है, लेकिन डॉक्टर हॉस्पिटल का ऐसा काम है जो हमेशा चलेगा, ठीक है, पैसा भी सबसे ज्यादा इनके पास होता है। तो मैंने यह बताया आपकी सारी चीज का मैनेजमेंट करूंगा बिल्कुल फ्री, मेरी सर्विस होगी बिल्कुल फ्री। तो यहाँ पर क्या करेंगे लोग, अभी क्या हो रहा है कि ऑनलाइन का सिस्टम चल गया, अब ऑफलाइन खत्म हो चुका है, ये जो कोरोना ने क्या किया ऑफलाइन को खत्म कर दिया, समझना। तो मैं इनको बोलता हूँ कि सर जब भी मैं, मुझे ये लीड्स वगैरह आती है, मैं क्या करता हूँ उनको, मैं लेके चला जाता हूँ मेरे लैंडिंग पेज के ऊपर, जहां पर मैं लिखता हूँ मैं आपके लिए फ्री वगैरह जो भी लिखता हूँ, मैं मेरे दिमाग से लिखता हूँ वहां पर, आप उनके ईमेल, नाम और फोन नंबर उनका मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, समझना। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, वो ईमेल मार्केटिंग में चला जाता है, और वहां पर मैं 5 वीडियो डालता हूँ, 5-6 वीडियो। फर्स्ट तो मैं वेलकम वाला डाल देता हूँ, फिर उसके अगले दिन 1 चला जाता है, उसके अगले दिन 2 चला जाता है, उसके अगले दिन 3 चला जाता है, उसके अगले दिन 4 चला, उसके दिन 5। उसको रोज ईमेल जा रहा है, ठीक है, प्रोफेशनली होते हैं डॉक्टर्स तो ईमेल हमेशा खोलते हैं, समझना एक बात। तो ये क्या करते हैं कि मुझे, ये मुझे फिर क्या करते हैं, कॉल करते हैं, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ उनके लिए फ्री में काम कर रहा हूँ, अगले जितने दिन वो चाहे उतने दिन, आप समझना, इधर फ्री करके मीटिंग मिठाई। और इनके लिए काम क्या करना पड़ता है, या फेसबुक में लीड जनरेशन, वो जिसको नहीं आता वो मैं समझाऊंगा, या ब्रांडिंग, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए उनको, ठीक है। हमारी अपनी हमारी इनसे बात हुई, अपन ने उनको ये बोला सर मेरी जो सर्विस है अगले 3 महीने तक मैं फ्री करूंगा, ठीक है, ट्रस्ट के लिए। कितना, अब आप लोग सोच रहे हो यार फ्री कैसे करोगे, आप सोच रहे हो यस या नो, बताओ मुझे कि फ्री में कैसे कर लोगे 3 महीने आप उनके लिए काम, यस या नो बताओ, समझ में आ रहा कुछ। अब मैं बात करूंगा कि सर आपको यहाँ पर फेसबुक एड करने के लिए आपको इसमें पैसा लगाना होगा, वो आपकी मर्जी है आप कितना लगाते। यदि आपको 2 लाख लोगों तक पहुंचाना है आपकी चीज, समझना इस बात को ध्यान से। हाँ, जस्ट पेड का अमाउंट करना पड़ेगा, उसका भी बताता हूं। उसको अपना खुद का बिजनेस मैनेजर है, वहां से आपको करना है, उसका तो बस पेज एडमिन आपको खुद को लेना है, एड मैनेजर उसको दिखाना नहीं, उसको कोई मतलब भी नहीं है। ये डॉक्टर हॉस्पिटल की बात कर रहा हूं मैं, हालांकि माथापच्ची भी थोड़ी बहुत करते, लेकिन ज्यादा नहीं करते। उनको ये बोल दे कि सर आप एक काम कीजिए, पर डे का 500 रुपए, या पर डे का 1000 रुपए, या पर डे का 700 रुपए आप इसमें डालिए, क्योंकि आप जब पंपलेट या बड़े बड़े करते, क्योंकि एक चीज समझना कि डॉक्टर्स लोग है होल्डिंग लगाते, होल्डिंग समझते हो सबके सब, बड़े बड़े होल्डिंग लगाते हैं, ये सर नो समझते हो होल्डिंग मार्केट में, एक होल्डिंग का जो किराया होता मंथली वो 50-50 हजार रुपए होता है, आई बात समझ में। और उनको देखता कौन है, कोई नहीं देखता, उनको ध्यान ही नहीं चलता, ठीक है। तो उनको, क्योंकि वो पहले से यहाँ पर क्या हो क्या है, प्रिपेयर हो क्या है कि अपन को पता है, अपने ट्रस्ट गेन कर लिया, अपने मीटिंग करी, उनको अपने बोले 500 या 600 या 1000 पर डे के, तो डॉक्टर सब वो क्या करते हैं 20,000 से 25,000 आपके बता दो सर, 20,000 तो आप लगाओ कम से कम मंथ का, आप 50,000 रुपए एक होल्डिंग का देते हो, ऐसे आप 15-20 होल्डिंग या फिर आप बोर कैंप लगाते हो तो आप
8-7 हजार तो देते ही हो, तो 20 हजार में जितने लोग आपकी स्क्रीनियर उससे ज्यादा लोग यहाँ पे आ जाएंगे। आई बात समझ में, 20 हजार लोगों को 20 हजार में राजी हो रहे, 15 से 20 हजार आपको लेना ही लेना, ठीक है। मैं 20 हजार लेता हूँ, 20 हजार एवरेज रखते हैं, ठीक है। 20 हजार आपने किया, अब इस 20 हजार में से आपको उनको बोलना है कि 101 तो लीड दे दूंगा मैं आपको जो आराम से आ जाएगी, और 2-1 लाख लोगों तक पहुंचाऊंगा, ठीक है। यदि 100 लीड, 1 लीड भी, समझना, 1 लीड भी 30 रुपए की भी आई, 30 रुपए की भी, इससे ज्यादा नहीं आएगी, आ जाएगी इससे नीचे आएगी, इसे मान लो 30 की भी आई, तो 100 के हिसाब से 3000 लग गए, समझना। दूसरा, ब्रांडिंग कर रहे हो आप, ब्रांडिंग में लास्ट 2000 रुपए भी लगाओगे ना, तो 2-2.5 लाख लोगों तक आपके पास पहुंच जाती है चीजें। रिजल्ट आया अच्छा सा रिजल्ट आया, ठीक है, फर्स्ट मंथ का, आपने तो, आप तो फ्री हो ना, आपने तो कुछ लिया ही नहीं, 20 हजार में से आपके 15 हजार बच गए, और ये जो आइटम सिस्टम चलाओगे ना, इस सिस्टम में आपके फर्स्ट मंथ में ही, समझना, फर्स्ट मंथ में आपके 6 से 7 लोग आपके आराम से आ जाएंगे, ठीक है। 6 लोग भी आपके पास आ गए और आपके 20 हजार में से 15 हजार रुपए आपके बचते हैं, तो आपके कितने रुपए हो गए, 90 हजार रुपए। ये रिकरिंग इनकम होती है। रिकरिंग इनकम मतलब एक महीना इस महीने भी देगा, अगले महीने भी देगा, उससे अगले महीने भी देगा, उसको रिजल्ट देते जाओ, 20 में से 5 हजार निकाल दे जाओ, तीसरे महीने आप बोलो सर मैं सर्विस चार्ज लूंगा सर, आपको मेरा रिजल्ट अच्छा लगा तो, वो आपको 30% को देगा, क्या देगा, कम से कम 30% मांगने से 30% जितना भी लगा उसका, 30% का मतलब कितना, 6 हजार, तो 6 हजार रुपये आपने लगा दिया, आपके पास कितना बच गया, 20 हजार रुपये। ये कस्टमर आपका कहीं पे भी नहीं जाएगा, और ये 20 जो आपके 20 हजार रुपये वाले आपके महीने के 10 लोग भी हो गए, आराम से होंगे बिना कोई झंझट के, तो आपको कितनी अर्निंग हो गई 20,000 × 10 कितने हो गए, 2 लाख रुपए महीने का। मैंने कहा 2 लाख रुपए, और ये बिजनेस इस समय इतना ज्यादा है। एक बार अब देखो, आज मुझे इसलिए लगा कि कोई, मैं सोचता था किसी और से भी करवा सकते हैं, लेकिन नहीं, वो बोलते हैं आकाश जी आपको ही करना है। मैंने उनको क्या बोला कि सर मेरे पास पैसा उतना ही भेजना है, तो आपको एडवर्टाइजमेंट करना है, मेरी सर्विस का भी नहीं लूंगा 2-3 महीने। कारण है कि अभी आपका भी कोरोना चल रहा है, आपके लिए बिजनेस में दिक्कत आ रही है, तो वो सब चीजें मैंने उनको बोली, उनको ठीक है, वो खुश मैं भी खुश, 4.5 लाख में से 1 लाख भी नहीं जाएंगे उनको। ये बिजनेस समझ में आया आप लोगों को, ये से नो, ये आगे और डिटेल में बताऊंगा जब आपका ये सब चीज चलने लग जाएगी, समझ में आया आपको। जो भी चीज करूंगा मैं आपको सब चीजें बताऊंगा ही, ठीक है, ये मेरा फर्ज है और मुझे बताना भी जरूरी है। समझ गए, लेकिन आगे और डिटेल में बता देना सर। हाँ बिल्कुल बता दूंगा, अभी नहीं बता रहा, लेकिन आगे कितने पर, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं पे, कैसी लगी आज की क्लास, सही लगी कि बेकार लगी? सर अमेजिंग, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके ओके, लगी सर लगी। ओके, तो वो दोनों इंस्टा मोजो और वो दोनों चीजें कर लो आप, स्टार्ट करो।
ठीक है, और आगे अपन उसको देखते हैं, ठीक है। कल की क्लास अपन उसका थोड़ा देखते हैं, एफिलिएट वाला अपन देखेंगे, ठीक है। लैंडिंग पेज का सब अपने अपने हिसाब से सोचो, ठीक है। गुड नाइट, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट मैडम। सुबह अपन बात करते हैं, एंड्रेस को लेंगे, ठीक है ना। हाँ सर, उसको बुला लो। गुड नाइट सर। गुड नाइट, आजा बेटी। हाँ अपलोड करेंगे सर। अब है ना, कोई भी मुझे फोन मत करना, मैं सीधा सोऊंगा। मेरे क्लास के बाद में सबको फोन आने लग जाते हैं।